नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है। वे सर्वप्रथम हमारे सभी डीलर भाइयों, मेरे मित्रगण, सभी को नमस्कार। आज हम जो पुनः बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं जो आपकी एक नई बयार चली हुई है, जो कि है न्यू रिटेल आउटलेट्स का कमिशनिंग, जो ऑलरेडी ऐड आए हुए हैं उसके ऊपर। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने कि कॉल किया, कॉल कर हमारे से अपनी राय पूछी कि आप क्या कहना चाहते हैं। डिसीज़न उनका है, बट स्टिल जो एक राय दी गई है वो बड़ी एक अच्छी राय दी गई है, जिसके लिए कि मेरे को खुशी है कि मैं शायद किसी को बचा पाया इस प्रकार के ट्रेड में आने के लिए। बड़ी विध्वंसता है, माफ़ी चाहूँगा इस प्रकार की शब्दावली को इस्तेमाल करने के लिए। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान साहब, आपको याद होगा पिछली बार 1 अगस्त 2017 को हम डीलर्स का मार्जिन रिवाइज हुआ था इन लाइन ऑफ अपूर्वा चंद्रा कमिटी रिपोर्ट। एक कमिटी जो कि बनी थी वर्ष 2010 में, जिसने कि अपनी रिपोर्ट टेबल करी थी जनवरी 2011 में। उसमें सबसे पहला तो पॉइंट आपका यह है, जो कि मैं कमेंट में अभी डालूंगा, और अपने सभी डीलर्स, सभी मेरे दोस्त या जिन्होंने भी मेरे को कॉल किया था, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है कमिश्निंग के अगेंस्ट। उसमें अगर आप पॉइंट नंबर 37 पढ़ेंगे तो विशेष तौर पे लिखा गया है कि अगर फिजिबिलिटी आपकी नहीं अचीव हो पाती है तो आप पुराने पंप को बंद नहीं करेंगे, नए पंप को बंद करेंगे। एक राइट टू बिजनेस है, स्टेट को बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, आप उनके बिजनेस को ताक पर लगा के अपने नए गोल्स जो हैं उनको अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब, 1 अगस्त 2017 में जो हमारा मार्जिन रिवाइज हुआ, उसी की लाइन में तेल कंपनियों ने हमें मेल भेजी थी। उस मेल में विशेष तौर पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया था, कंसिडरिंग द हार्डशिप्स ऑफ आरओस सेलिंग लेस देन 170 केएल पर मंथ, स्पेशल केयर हैज बीन टेकन टू एलिवेट द सेम। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी तेल कंपनियां ये मानती हैं कि आपका मेजर ब्रैकेट जो है वो 170 केएल से कम पर काम कर रहा है, या उनकी सेल जो है वो 170 केएल से कम पर है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, एक और मेल है जो कि मैं अभी अपने इस कमेंट में डालूंगा, जिसमें कि यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फील्ड फोर्स, यानी कि जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं अपने इससे पहले दो लाइव में, कि यह काम सेल्स ऑफिसर का होता है कि उस एरिया की सेल्स को डिटरमाइन करे मार्केट फैक्टर के साथ, ट्रैफिक काउंट के साथ। और यह चीज आपका केरला हाईकोर्ट के जजमेंट में, जो कि इसी के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी भी जो आपके आरोज हैं जो कि 170 केएल से नीचे कर रहे हैं, क्या कारण है कि उनकी सेल जो कि अचीव होनी चाहिए थी या डिटरमाइंड थी, वो अचीव अगर नहीं हो पा रही है तो सेल्स ऑफिसर की क्या जवाबदेही है, तेल कंपनियों की क्या जवाबदेही है? अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने 65,000 नए रिटेल आउटलेट के लिए अपना कह दिया, एडवर्टीजमेंट निकला, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक आरओ को देखेंगे तो चाहे वो रूरल में हो, चाहे वो नेशनल हाईवे पर हो, चाहे वो अर्बन में हो, आपका बेयर मिनिमम जो आपका बेसिस है वो आपका 35 किलो की सेल से 100 और 150 या उससे ऊपर के ब्रैकेट पर आपका डला हुआ है। जो आपका 170 से ऊपर है वहां पर हो सकता है आपकी सेल वास्तव में अचीव हो जाए, पर जो आरओ आपके सेल जिसमें दिखाई गई है
170 केएल से नीचे क्या वो सही है? आपकी तेल कंपनियां और आप खुद क्या करना चाहते हैं कि जो डीलर जिसको कि तेल कंपनियों ने माना है कि 170 केएल से नीचे जो डीलर हैं उनको हमने रिवाइव करने के लिए अपना मार्जिन में स्पेशल केयर रखी है, और वो स्पेशल केयर जो तेल कंपनियों ने दिया था वो भी शायद लाइसेंस फीस रिकवरी के रूप में वापस ले लिया गया, मिनिमम वेजेस के रूप में वापस ले लिया गया, जो कि अभी ऑलरेडी चैलेंज्ड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब आप ये बताइए कि जो भी कोई हमारे नए बिजनेसमैन अपना मोटी लागत लगाकर इसमें आएंगे, आप आपकी तेल कंपनियां और प्रिसाइजली आपके सेल्स ऑफिसर्स उनको क्या जवाब दे पाएंगे या उनको क्या एश्योरेंस दे पाएंगे? सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो मेजर ब्रैकेट है वो आपका एससी एसटी कैटेगरी का है, क्या आप उनके साथ में न्याय संगत कर पा रहे हैं? एक स्टेट अपने सभी बिजनेसमैन का राइट को प्रिजर्व करती है। कहना चाहूंगा कि आप हमारी लाइवलीहुड लेकर जो कि ऑलरेडी एक बड़े मिजरेबल सिचुएशन में चल रहे हैं, आप एक नया बिजनेस अगर स्टैब्लिश करेंगे तो वो कहां तक सही है? मैं अपने पुनः जितने भी नए एप्लीकेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूंगा, मेरा नंबर इसी लाइव में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले चीजों को समझें, तथ्यों को समझें, उसके बाद ही अगर आप ट्रेड में आए तो बेहतर है, क्योंकि एज पर द फिगर्स ऑफ ओएमसीज एक्सक्लूडिंग लैंड, जो आपका पंप को स्टेब्लिश रन करने के लिए जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा दैट विल बी नियर अबाउट टू 80 लाख। ये मैं रूरल साइड की बात कर रहा हूं, और इसी तरीके से आपका अर्बन में 1,16,00,000 रुपए के करीबन में आएगा एक्सक्लूडिंग लैंड। आप सोच के देखिए क्या अभी के सिनारियो में जिसमें कि तेल कंपनियों ने माना है कि 110 केले के नीचे जो आरओ चल रहे हैं दे आर इन हार्डशिप्स, तो आप सोचिए कि जब आपकी सेल 100 किलो दिखाई हुई है तो यू विल बी इन अ ग्रेटर हार्डशिप। ये जो मूव है दैट इज ओनली अ पॉलिटिकल मूव, क्योंकि मेरे उसी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सबसे पहला अपना ट्वीट किया कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपनी 5,00,000 नौकरियां नई इंक्रीज करेंगे। किस प्ली पर? जो एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट्स हैं अगर उनका सेल फर्दर डाउन जाता है तो क्या वो अपने मैन पावर में स्लैश नहीं कर पाएंगे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है 10,000 रुपए, और शायद 8,000 से 7,000 रुपए आपका एससी एसटी कैटेगरी के जो मेरे भाई हैं उनके लिए है, तो क्या यह जस्टिफाइड है कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फीस जो है वो मल्टीफोल्ड आपने बढ़ाया, उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या आप बताना चाहेंगे कि क्यों ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव नहीं है और आप तेल कंपनियों को प्रॉफिटेयरिंग के रूप में सिर्फ और सिर्फ आजादी देना चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन फीस के रूप में अपना एक अच्छा खासा मोटी रकम उगवाई कर सकें? क्योंकि शायद एक आरओ पर या एक साइट पर आपके 5 से 6 एप्लीकेशन डलते हैं, पेट्रोल पंप एक ही को मिलता है, तो एक साइट पे जहां पर कि आपको एक एप्लीकेंट को पेट्रोल पंप देना है, 4 का जो आपका पैसा आया वो आपके पास में रिजर्व रहा या आपके पास में बफर में आ गया। तो क्यों ना कहा जाए कि आपका जो ये मूव है ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसके अलावा मैं अपने नए एप्लीकेंट्स को और एक बात कहना चाहता हूं, अभी का आज का एक आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें कि डेली प्राइस रिवीजन को स्क्रैप करने के लिए कहा गया है। हम एम्पावरिंग पेट्रोलियम डीलर्स फाउंडेशन बहुत दिनों से यह कह रहे हैं कि इट्स ऑल टुगेदर अ स्कैम, क्योंकि इसके पीछे का कोई प्राइसिंग क्राइटेरिया नहीं है। मैं इस प्रकार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्रेंट आपका ऊपर गया है, उसके बावजूद आपके जो रेट हैं पेट्रोलियम के वो आपके नीचे गए हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, आप किस प्रकार इसको लिंक कर रहे हैं इंटरनेशनल
लेवल के क्रूड से वो कैसे अचीव हो रहा है वो शायद धर्मेंद्र प्रधान साहब बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आपकी तेल कंपनियों ने तो शायद अब तक कोई जवाब दिया नहीं है। इनफैक्ट सीआईसी में भी उन्होंने कोई अब तक इस बात का जवाब नहीं दिया है। तो ये कहना क्या गलत है कि आप अपने डिसीजंस जो भी हैं उनसे आप केवल और केवल ग्राहकों को परेशानी में डाल रहे हैं और अपनी तेल कंपनियों को आपने खुला हाथ दे रखा है कि आप जितना चाहें उतना प्रॉफिटेयरिंग कीजिए। और मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, आपने उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया, बहुत अच्छी योजना है, हम उसकी सराहना करते हैं, परंतु आप एक बात बताइए, क्या उस योजना को वन गो में लॉन्च नहीं किया जा सकता था? मैं अभी अपने कमेंट्स में एक पेपर डालूंगा जिसमें कि राजस्थान में अभी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब गए, वहां पर आपका रिफाइनरी का या किसी ऑयल फील्ड का आपका इनॉग्रेशन था, तो वहां पर जो सभा है उसमें जो उज्ज्वला के लिए कैंपेनिंग थी या उसके लिए जो भी कोई बात रही होगी उसका जो एक्सपेंसेस है वो तेल कंपनियों के द्वारा किया गया। ऐसा क्या कारण था कि आपने वन गो में पूरे देश भर में उसको एनरोल नहीं करा? और अब पुनः आप 14 किलो के सिलेंडर की जगह वापस 5 किलो के सिलेंडर पे आना पड़ रहा है आपको। आपसे अनुरोध है कि आप समीक्षा करें अपनी नीतियों की, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं आप उनकी लाइवलीहुड से अगर खिलवाड़ करेंगे तो शायद ये सही नहीं होगा। अपने दोस्तों से, अपने न्यू एप्लीकेंट से पुनः कहना चाहूँगा कि इस फेसबुक लाइव के जितने भी डिस्क्रिप्शन में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो मेरा पुराना फेसबुक लाइव्स हो, या उसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं अभी डालूंगा, आप पहले उसको देखें, सोचें, समझें और फिर आप व्यापार में आएं तो बेहतर। धन्यवाद, मेरा नाम हेमंत है।